देखिए दोस्तों कितनी भीड़। हवा इतनी तेज है दोस्तों कि हवा के अगेंस्ट चलने के लिए बहुत ताकत लगाना पड़ रहा है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ नाने घाट, ये एक सोलो ट्रिप है एंड बारिश को देखते हुए मैं बाइक से नहीं जा रहा हूँ। ऑब्वियसली आप देख पा रहे हैं मैं कार से ही जा रहा हूँ। कल मेरा ऑफिस का कुछ काम था तो मैं जा नहीं पाया एंड संदीप भाई वॉज नॉट अवेलेबल टूडे, सो आज अकेले जाना पड़ रहा है दोस्तों। तो नाने घाट में रिवर्स वाटरफॉल में कवर करूंगा आज। एंड जो नाने घाट फेमस क्यों है, क्योंकि नाने घाट पहले एक एंशियंट ऐसा ट्रेकिंग रूट था टुवर्ड्स मुंबई टू पुणे एंड कल्याण टू पुणे एंड पुणे टू कल्याण काइंड ऑफ। सो ट्रेकिंग करके आप जो मालशेज घाट का रोड है उसी रूट पर जाके मिलता है ये ट्रेक, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। अभी भी ट्रेक एक्टिव है एक्चुअली, वो रास्ता जो है अलग बात है कि अभी रोड बन गया तो लोग जाते नहीं हैं, अभी सिर्फ टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं, बट ट्रेकिंग का पाथ अभी भी है, वहाँ पे वाटरफॉल भी होता है। सो दोस्तों सबसे पहले मैं रिवर्स वाटरफॉल कवर करूँगा और फिर अगर टाइम का तो कोई इशू नहीं है, बट मौसम ठीक रहा एंड मैं ज़्यादा थका नहीं तो नाने घाट का पॉइंट भी कवर करूँगा। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ For another scenic trip। तो दोस्तों अभी मैं राजगुरु नगर के तरफ मैं ड्राइव कर रहा हूँ, चाकन के बाद आता है ये राजगुरु नगर। अब सिंस बारिश का मौसम बना हुआ है, अंधेरा है, थोड़ा डार्क बना हुआ है काले बादल के कारण, तो यहाँ पे उतने अच्छे सीन नहीं दिखने वाले हैं। ऑब्वियसली इस रोड पे एक्चुअली बहुत अच्छे अच्छे जो रोड है बहुत ही सीनिक है एक्चुअली, जब आप जुन्नर की तरफ जाते हैं। तो दोस्तों अभी मैं जुन्नर की तरफ ड्राइव कर रहा हूँ। सो यहाँ से आप शिवनरी फोर्ट, मालशेज घाट, नाने घाट ये सब जगह पे जा सकते हैं। आपने मेरा अगर मालशेज घाट का वीडियो नहीं देखा है तो आपको ऊपर लिंक डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। मालशेज घाट अभी रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा ही पानी हो जाता है उधर, बट रूट सीनिक होता है। मालशेज घाट के इधर एक और वाटरफॉल, इसको बोलते हैं कालू वाटरफॉल। तो दोस्तों थोड़ा रेन थोड़ा कम हो जाए, बारिश थोड़ी कम हो जाए, फिर अगस्त एंड में या सितंबर में कालू वाटरफॉल जाने का सही सीजन है एक्चुअली। जा अभी भी सकते हैं बट अभी बहुत ज़्यादा दो वाटर क्रॉसिंग होता है, तो अभी थोड़ा रिस्की हो सकता है। इसके लिए मैंने कुछ स्पॉट्स हैं जैसे कालू वाटरफॉल है, भंडारदारा है, ये सब स्पॉट्स को मैं थोड़ा रखा है रेन के बाद कवर करूंगा। रेन के बाद आई मीन टू से रेन के इमीडिएट बाद, अगस्त एंड या सितंबर में, उस समय वाटरफॉल भी होगा और बारिश नहीं होगी, तो बहुत शानदार उस समय मतलब जो सीन होता है बहुत शानदार होता है और बारिश से भीगने का या फिर ऐसा कुछ रिस्क भी नहीं होता है। तो दोस्तों ये देखिए ऊपर बोर्ड पे लिखा है शिवनरी फोर्ट 13 किलोमीटर एंड जुन्नर इज 10 किलोमीटर। मालशेज घाट जाने का जो रूट है, जो रोड है जुन्नर के बाद, वो ऐसा शानदार है आपको लगेगा ही नहीं कि आप इंडिया में हो। रोड एकदम मक्खन के जैसे और चारों तरफ दोनों तरफ ग्रीनरी, माउंटेन्स। आपको मेरा मालशेज घाट का वीडियो पक्का देखना चाहिए इफ यू आर नेचर लवर काइंड ऑफ। तो देखिए दोस्तों ये जुन्नर का एंट्री आ गया है, यहाँ से जुन्नर स्टार्ट हो जाता है, इसको कमान बोलते हैं। सामने जो आप गेट जैसा देख रहे हैं, श्रीमंत योगी छत्रपति शिवाजी महाराज प्रवेश द्वार जुन्नर। देखिए दोस्तों ये जो
चौक है, यहाँ पे शिवाजी महाराज की मूर्ति लगी है ऊपर घोड़े पे सवार। यहाँ से राइट लेंगे ये चौक से तो माचिस घाट की तरफ जा सकते हैं। अब मैं सीधा लिया है, नाने घाट की तरफ जा रहा हूँ 28 किलोमीटर। दोस्तों कितना शानदार सीन है, रोड थोड़े पतले हैं तो दो गाड़ी को ओवरटेक करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बट आसपास का लोकेशन देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों सामने ऊपर वो पहाड़ पे इतने सारे बादल आपका स्वागत कर रहे हैं, वेलकम टू नाने घाट। यहाँ पे यही तकलीफ है दोस्तों, रोड छोटे हैं तो गाड़ी को ऐसा क्रॉस होने में थोड़ा सावधानी बरतना पड़ता है, बाकी सीन सीनरीज तो 100 out of 100। आप लोगों के लिए एक अपडेट है दोस्तों, यहाँ पे रोड्स अच्छे हैं, थोड़ा पैच खराब है बट ओवरऑल इट्स गुड मैनेजेबल। मोबाइल नेटवर्क जो है यहाँ पे वोडाफोन का नहीं है, मेरे पास जियो का भी है तो जियो का सिग्नल दिखा रहा था कुछ देर पहले। एंड मेरा मैप चालू है कार में तो मोस्ट प्रॉब्ली अभी भी है जियो का नेटवर्क, बट वोडाफोन का नेटवर्क नहीं है यहाँ पे दोस्तों। ये देखिए रोड पे थोड़ा फॉगी होने लगा है, ये क्लाउड आ गया एक्चुअली रोड पे। इट्स शोइंग 14 मिनट्स, 14 मिनट में अप्रॉक्स 15 मिनट में हम लोग पहुंच जाएंगे नाने घाट। 7.3 किलोमीटर। एकदम अंधेरा छाया हुआ है दोस्तों और थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, मतलब जितना अंधेरा छाया उस हिसाब से बारिश नहीं हो रही है, विच इज गुड एक्चुअली।
आपके दोस्तों सामने ऐसा लग रहा है जैसे क्या मस्त शानदार ऑसम। ये देखिए दोस्तों क्लाउड, यहाँ पे एक रील बनाना तो बनता है दोस्तों। अपडेट है यहाँ पे नानी घाट में एंट्री फीस आप आपको 50 रुपए देने होते हैं, आप अगर 4-व्हीलर से आते हैं तो। इट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ अंदर कितने लोग हैं, मैं तो अकेला ही हूँ, बट ये गाड़ी का एंट्री चार्जेस है बेसिकली। आप पार्किंग का समझ लीजिए चाहे जो भी समझ लीजिए, बट इट्स एंड वो रिसिप्ट प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। मैंने कार में जितनी भी लाइट्स हैं सब चालू कर रखा है, हेडलैम्प भी अपर पे है, फॉग लाइट भी चालू है एंड हजार्ड लाइट भी चालू है, क्योंकि इतना ज्यादा मतलब विजिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो है, दिख ही नहीं रहा है। तो गाड़ी का स्पीड मैक्स 25-30, इसके ऊपर नहीं ले जा सकता क्योंकि आगे दिखता ही नहीं है, मैप दिखता है मुझे कहाँ जाना है, बट रोड पे एकदम से कोई सामने आ जाता है तो दोस्तों इस रोड पे आएंगे आप तो सावधानी से चलिए गाड़ी, जल्दी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि कई बार मेरे सामने ऐसा हुआ, ऑल्दो मैं स्लो चल रहा हूँ, कार एकदम से आ गई सामने, कोई आदमी एकदम से आ गया सामने, और वो आपको जब तक दिखेगा, आप अगर 30 से ऊपर हैं देन कुछ भी हो सकता है। तो बेहतर है दोस्तों आप पिकनिक पे आए, घूमने के लिए आए, आराम से एंजॉय कीजिए, स्लो चलाइए गाड़ी केयरफुली। ये देखिए सामने एक 2-व्हीलर आ रहा है, बट बहुत पास आने पे दिखता है उसका लाइट, वो भी इसलिए दिखता है क्योंकि वो उसका येलो हेडलाइट। तो दोस्तों नानीघाट पहुंचने के बाद आपको लिफ्ट लेना पड़ता है, ये देखिए कुछ लोग पैदल भी आ रहे हैं, तो ये फॉग के कारण लोगों ने क्या किया है, नानीघाट का जो मेन पार्किंग है वहां पे गाड़ी लगा दिया और वहां से पैदल पैदल रिवर्स वाटरफॉल तक जाते हैं। लेकिन मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने लोकेशन ही नानीघाट रिवर्स वाटरफॉल का डाला है, एक रिसॉर्ट आता है शायद उसका नाम शांतिवन है, या फिर मैं आपको लोकेशन डाल दूंगा दोस्तों, वहां तक आप कार से जा सकते हैं, रोड पक्के नहीं है, कच्चे हैं एंड कीचड़ है बहुत सारा। तो और भी कार्स को मैंने जाते हुए देखा इधर, इसलिए मैंने आने का सोचा, अदरवाइज मैं भी वही करता, मैं भी पैदल ही आता। यहाँ पे गाड़ी फंसने का चांसेस बहुत ज्यादा है दोस्तों, क्योंकि पूरा कीचड़ है। गाड़ी फंस गई तो मुश्किल हो सकता है दोस्तों, फिर लोकल जो लोग हैं यहाँ के रहने वाले उनको उसे हेल्प देना पड़ेगा। रोड पे जो कार के पहिए के निशान बने हुए हैं वैसे ही ड्राइव करना पड़ रहा है, दिख बिल्कुल भी नहीं रहा है दोस्तों। Thank you.
वीडियो आपके लिए एक अपडेट है। आप अगर गूगल मैप में रिवर्स वाटरफॉल डालेंगे तो जो लोकेशन दिखाता है वो लोकेशन पे बेसिकली कुछ भी नहीं है दोस्तों। अभी मैं वहां से यू टर्न मारा, इन केस आप मिस कर जाते हैं और वो लोकेशन पे चले ही जाते हैं तो थोड़ा सा आगे जाइए, आपको बड़ा सा एक मैदान जैसा दिखेगा, वहां से आप यू टर्न इजीली मार सकते हैं। इवन बड़े लंबे बस भी हो वो भी यू टर्न मार पाएंगे इजीली। तो दोस्तों आपको मैं जो एग्जैक्ट लोकेशन है जहाँ कहाँ पे आपको कार रुकाना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ। वहाँ पे मैंने बहुत सारी कार्स लगे हुए देखे थे जहाँ पे मैंने आपको टेम्पो ट्रैवलर्स के बारे में बताया था, तो दैट इज़ द करेक्ट लोकेशन। उसके आगे जाके फ़ायदा नहीं है दोस्तों, क्योंकि आगे कुछ भी नहीं है, जंगल है और फॉग के कारण कुछ दिखता नहीं है। तो दोस्तों जैसा आपने देखा यहाँ पे मैंने यहाँ पे कार लगाया है और यहाँ पे खाने पीने की भी व्यवस्था है। बेसिकली यहाँ जो लोकल लोग हैं यहाँ के रहने वाले ये सब फैसिलिटीज़ देते हैं और मैंने यहाँ का लोकेशन कैप्चर कर लिया है और बहुत सारे लोग यहाँ से पैदल भी जा रहे हैं। तो दोस्तों आप यहाँ से जा सकते हैं, ये लोकेशन मैं आपको शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्क्रिप्शन में देख पाएंगे कि कहाँ पर आपको एग्जैक्टली रुकना है। मैंने जो कार पार्क किया है इसके आगे कुछ भी नहीं है बेसिकली, तो इसके आगे जाने का मतलब नहीं है। आप जाना चाहें तो जा सकते हैं बट आपको वापस लौट के आना पड़ेगा यहाँ पे। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों जहाँ से मैंने गाड़ी लगाया पार्क किया उसके एग्जैक्ट सामने से ही या फिर आप जहाँ पे भी गाड़ी लगाते हैं वहाँ जो लोकल लोग हैं उनसे पूछ लीजिए कहाँ जाना है, वो लोग गाइड की भी फैसिलिटी देते हैं, वो आपके साथ आएंगे। बट सिंस मैं पहले आ चुका हूँ जब मौसम साफ था तो मुझे पता है अप्रॉक्सीमेटली कि कहाँ जाना है और कैसे जाना है। रास्ता आप नहीं भटकें, इसके लिए आप जहाँ पर गाड़ी लगाते हैं उसका जो लोकेशन है वो अपने व्हाट्सएप पर अपने आप को भेज लें। इससे क्या होगा कि आप उस लोकेशन को ट्रैक करके वापस आ सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ जियो का नेटवर्क है दोस्तों, वोडाफोन का नेटवर्क ज़ीरो था, कुछ भी नहीं था। तो ये मैं पैदल पैदल जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों मेरे बच्चे कुछ बालों और रेनकोट के की वजह से आपको समझेगा कि हवा कितनी तेज है यहाँ पे। थोड़ी बारिश जैसी हो रही है, हल्की हल्की हो रही है बहुत, पर हवा के प्रेशर के कारण कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा कि बारिश हो रही है। तो दोस्तों आपको यहाँ रेनकोट एंड अच्छे क्वालिटी का शूज़ लेके आना है, ऊपर में तो बिल्कुल नहीं आना है। ये पूरा ज़मीन पथरीला है तो पत्थर पत्थर पे ही चलना है आपको, अदरवाइज मिट्टी पे कीचड़ हो सकता है। पत्थर पर चलने का रिस्क ये है कि आप फिसल सकते हो, तो बी केयरफुल। ये देखिए दोस्तों आपको सामने का व्यू दिखाता हूँ, जो दिख तो कुछ नहीं रहा है बट आपको आइडिया मिलेगा कि आप यहाँ आएंगे तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया आप अगर फैमिली के साथ आते हैं तो बेटर है कि आप गाइड ले लीजिए, क्योंकि मैं अकेला हूँ तो मुझे पता है, अब मैं पहले आ भी चुका हूँ। लिटरली एकदम बादल में चल रहा हूँ तो, और गुड न्यूज़ ये है कि बारिश नहीं हो रही है, तो
बारिश नहीं होने की वजह से सब कुछ ठीक है। आपको हवा की आवाज़ भी आ रही होगी। जब आप रास्ता भटक जाए तो याद रखिए दोस्तों, अपने कान खुले रखिए, क्योंकि बाकी जो लोग आगे लोग हैं वो बात करते हैं, चिल्लाते हैं, तो उनसे आपको गाइडेंस मिलता है कि जाना कहाँ है। तो बेसिकली पगडंडी है, जाने से पगडंडी देख के आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कहाँ जाना है, लेकिन फॉग के कारण कुछ दिखता नहीं है, इसलिए हम क्या होते हैं रास्ता भटक जाते हैं। अभी मैं भी थोड़ा लेफ्ट चला गया था, बट थोड़ा रुका, लोगों की आवाज़ कहाँ से आ रही है उसको फॉलो किया एंड वापस ट्रैक पे हूँ। एंड दोस्तों, ये इजी ग्रेड का ट्रैक है, मैं काइंड ऑफ वॉक ही कर रहा हूँ अब, सिंस मैं वॉक करते करते बोल रहा हूँ इसके थोड़ा हाफने को हो रहा है। बाकी आप यहाँ फैमिली के साथ, बच्चों के साथ आ सकते हैं, पर स्लीपर में नहीं आइए दोस्तों, स्पोर्ट्स शूज या ट्रैकिंग शूज हो तो बेटर है। ये देखिए, अभी फिर मैं लॉस्ट हो गया हूँ, फिर मुझे नहीं समझ रहा है कहाँ जाना है। देन अभी मैं रुका हूँ, आवाज़ को सुन रहा हूँ और उनको फॉलो कर रहा हूँ। लौटने के लिए मैंने लोकेशन ऑलरेडी सेव कर लिया है, तो लौटने का टेंशन नहीं है दोस्तों। या फिर आप अगर फैमिली के साथ हैं और ये रिस्क लेना नहीं चाहते हैं कि आप खो जाओ, तो आप गाइड ले सकते हैं, जो लोकल लोग हैं वो आपके साथ आएंगे। इतनी तेज है दोस्तों कि हवा के अगेंस्ट चलने के लिए बहुत ताकत लगाना पड़ रहा है। अभी यहाँ छाता लेके आएंगे दोस्तों, अपने ड्रेस पानी है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, या तो छाता टेढ़ा हो जाएगा या फिर आप उड़ जाएंगे छाते के साथ। बेहतर है अम्ब्रेला लेके नहीं आइए यहाँ पे, मैंने बैग में अम्ब्रेला रखा है जस्ट फॉर सेफर साइड, सेफ किया बट मैंने रख लिया है, बट इट्स ऑफ नो यूज क्योंकि हवा का प्रेशर इतना तेज है, छाता भी ठहर नहीं सकता, और छाता अगर ये एयर प्रेशर बर्दाश्त कर लिया तो आप उड़ जाएंगे फॉर श्योर। तो दोस्तों, रेनकोट लेके आना है आपको यहाँ पे, और अच्छा स्पोर्ट्स शू पहन के आना है, और पानी लेके आइए पीने के लिए। सो दोस्तों, एक ग्रुप मिला जो जीवधानी फोर्ट है यहाँ पे, वो फोर्ट की तरफ जा रहे थे, तो उनसे मैंने पूछा वाटरफॉल, तो उन्होंने बताया यहाँ से चले जाओ, क्योंकि वो वाटरफॉल से फोर्ट का रास्ता ढूंढ रहे थे। उससे पूछा बट मुझे फोर्ट का नहीं आइडिया है, यहाँ पे जीवधानी फोर्ट है बट एंट्री कहाँ से दैट आई डोंट नो, सो आई आस्क देम वाटरफॉल कैसे जाना है, तो उन्होंने बताया यहाँ से नीचे चले जाओ। सो दोस्तों, आप जहाँ भी अटक जाएं, हेल्प मांगने से बिल्कुल न हिचकें। ये देखिए, छोटे बच्चे भी आए हुए। सो दोस्तों, थोड़ी थोड़ी बारिश चालू हो गई है। दोस्तों बी केयरफुल, अभी जस्ट मेरा पैर फिसला था थोड़ा सा, तो फिसलन है दोस्तों। दोस्तों हम वाटरफॉल के पास आ चुके हैं, आवाज़ आ रही होगी आपको बट दिख कुछ भी नहीं रहा है, पास जाके आपको दिखाता हूँ अगर कुछ दिखता है तो। यहाँ से जब आप उतरें दोस्तों तो केयरफुली उतरें,
देखिए दोस्तों, ये जो पानी गिर रहा है बारिश जैसा, ये एक्चुअली बारिश नहीं है, ये रिवर्स वाटरफॉल का पानी है। वाटरफॉल के कारण जो पानी नीचे गिरता है वो हवा के प्रेशर से ऊपर आता है और यहाँ पे बारिश होती है। आपको दोस्तों साइड में दिखाता हूँ, देखिए दोस्तों लोग एंजॉय करते हुए। ये देखिए, ये जो पानी है हवा के प्रेशर से ऊपर जाता है और फिर नीचे गिरता है, वैसे लगता है बारिश हो रही है। आपको और आगे लेके चलता हूँ। दोस्तों ये था रिवर्स वाटरफॉल। अभी मैं वापस जा रहा हूँ जहाँ पे गाड़ी लगाया था, वहाँ पे नाश्ता करूँगा दोस्तों और फिर नानीघाट का जो ट्रैकिंग पॉइंट है वो एक्सप्लोर करते हैं। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ASP_Blog007। आप मेरे चैनल को द फनी वंडर के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, मैं ये लोकेशन फॉलो कर रहा हूँ। ये जो रेड कलर मार्क दिख रहा है, यहाँ पे मैंने कार लगाया है। ये लोकेशन मैं रिकॉर्ड कर लिया था मोबाइल में, जैसे मैं पहुँचा था वहाँ तक चलते वक्त। ये मुझे हेल्प कर रहा है कि वहाँ तक कैसे पहुँचना है। और दोस्तों मिट्टी पे चलने से बचिए, क्योंकि मिट्टी पे पैर रखेंगे तो वो कीचड़ है बेसिकली। तो आप अगर पत्थर पे चलेंगे, स्टोन पे, डेफिनेटली दूर। देखिए दोस्तों यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, बट वाटरफॉल के पास में जो रिवर्स वाटरफॉल है, नाम ही रिवर्स है, तो हवा के प्रेशर से जो पानी ऊपर आता है उस वजह से बहुत तेज बारिश होती है। उस कारण से मैं भीग गया दोस्तों। तो कैसे एब्सोल्युटली फाइन, इसका फ्लोट मैं चेंज कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं जहाँ पे मैंने कार पार्क किया है वहाँ पे पहुँच के आपको मिलता हूँ। तो
दोस्तों मैं आ गया हूँ यहाँ पे जहाँ पे कार पार्क किया था, और ये जो होटल है छोटा सा रेस्टोरेंट, इसका नाम है होटल अनुज। तो दोस्तों मैं अभी रेनकोट पहना था बट फिर भी भीग गया, अभी कपड़े चेंज करूँगा और यहाँ पे ब्रेकफास्ट करते समय आपको ज्वाइन करता हूँ, तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ। तो दोस्तों ये था रिवर्स वाटरफॉल, यहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, रेस्टोरेंट नहीं बोलेंगे, किसी का घर है तो वो ऐसा रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो इतना अच्छा नहीं था बट ठीक है, यहाँ के जो लोकेशन है इसके हिसाब से। अब इनका पार्किंग में मैं गाड़ी लगाया तो वो बनता है, सो दैट्स फाइन, इसलिए मैं वो कवर नहीं किया। बट मैंने पोहा खाया और चाय पिया, चाय बहुत ज़्यादा मीठा था, पोहा वॉज टू गुड। तो लास्ट ईयर भी मैं यहीं पर खाया था मुझे याद है, क्योंकि ये लास्ट पॉइंट है जब आप रिवर्स वाटरफॉल की तरफ जाते हैं, तो ये लास्ट इनका घर है जहाँ पे आप गाड़ी लगा सकते हो, आगे फिर कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों वो क्या करते हैं, कढ़ाई ही ला के रख देते हैं, कढ़ाई में पोहा बनाते हैं, स्पेशली आपके लिए बनाते हैं, आप जितना ऑर्डर कर, जितने लोग हो आप उतने ऑर्डर करोगे उतने बनाएंगे, और कढ़ाई ला के रख देंगे, आप खुद ही अपने आप को सर्व करो और खाओ। तो पोहा अच्छा था, चाय मुझे पसंद नहीं आया, चाय का शायद उन्होंने 10 रुपये लिया और शायद पोहा का 40 रुपये लिया, मैं ब्रेकअप पूछा नहीं, उन्होंने 50 रुपये लिए एक चाय और एक पोहा का। सो प्राइस वाइज इट्स फाइन। तो दोस्तों अभी मेरा प्लान था कि नानी घाट का जो घाट एरिया है, जो ट्रेकिंग एरिया है, जो ट्रेक करके हम मुंबई की तरफ जाते हैं, उसको एक्सप्लोर करने का, बट ये फॉग जो इतना क्लाउड और ये जो फॉग जैसा है, इसको पूरा देखते हुए मैं प्लान कैंसिल कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ नहीं दिखने वाला है। अभी रिवर्स वाटरफॉल का आपने देखा, कुछ भी व्यू नहीं मिला, एंड जो मेरा रेनकोट था वो भी किसी काम का नहीं, मेरे पूरे पूरे कपड़े भीग गए, मैं गाड़ी में कपड़े चेंज किए, एंड सो दोस्तों अभी मैं वापस जा रहा हूँ। वापस आते समय एक स्पॉट दिखा था, वहाँ पे मैं रुकूँगा, वो स्पॉट को कवर करूँगा, वो स्पॉट फैमिली के लिए बहुत अच्छी है, आप वहाँ पे जा सकते हैं पक्का। सो दोस्तों वो स्पॉट पे मिलता हूँ मैं, तब तक बने रहिए मेरे साथ। इफ यू लाइकिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ASP_blogs007। मेरे चैनल को आप YouTube पे द फनी वंडरवर्ल्ड के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ। दोस्तों ये है नानी घाट, मैं भी नीचे नहीं जाने वाला हूँ, बट आपको मैं दिखा देता हूँ कैसा माहौल है। देखिए दोस्तों कितनी भीड़, नानी घाट आया था तो वहां का मैं लिंक डाल दूंगा, आप उसमें देख सकते हैं नीचे कैसा है।
ये रोड से जब आते थे और टोल से निकलते थे। अब इसमें पानी भर गया है। देखिए दोस्तों कितना शानदार लोकेशन है। यहाँ लोकेशन का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप यहाँ आ सकते हैं फैमिली के साथ और एकदम पानी में पैर डाल के बैठ सकते हैं आराम से। देखिए कितना खूबसूरत लोकेशन है दोस्तों। तो ये था आज का ब्लॉग। तो आज हमने नानी घाट कवर किया और रिवर्स वाटरफॉल नानी घाट में कवर किया और ये एक अच्छा पिकनिक पॉइंट था, इसको मैं कवर किया। सबका लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दोस्तों। इफ़ यू लाइक दिस ब्लॉग प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, आपको कैसा लगा। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो भी बताइए मुझे कि क्या इम्प्रूव करना चाहिए मुझे। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ब्लॉग 007। आप मेरे चैनल को तरफनी वंडरर के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। तो बने रहिए दोस्तों, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।